जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि की भांति राहु देव भी बहुत मुख्य ग्रह हैं। अगर शनि राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है तो राहु केतु भी एक राशि के अंदर रहते हुए 1.5 वर्ष का समय गुजारते हैं। और जब हम राहु की बात करते हैं तो केतु भी उसके सप्तम में हमेशा होता है। यानी राहु और केतु एक साथ दो राशियों को प्रभावित करते हैं, राहु और उसके सामने केतु। अब राहु कौन है? ऊपरी हिस्सा है। केतु कौन है? वो निचला हिस्सा है। अब राहु कौन है? ऊपरी हिस्सा। यानी ऊपरी हिस्से में क्या है? बोलचाल है, वाक शक्ति है, वाणी है, या आपका माइंड है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब राहु के अंदर देखा जाएगा। यानी केतु के मुकाबले देखा जाए तो राहु ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसा ही ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करे कि साल 2023 में 9 फरवरी 2023 को केतु सॉरी राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और वो राहु अपने मित्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे। यानी जैसा आप जानते हैं कि राहु वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कर रहे हैं तुला राशि के अंदर गोचर। अब राहु का मेष राशि में चलते हुए वक्री अवस्था में चलते हुए अश्वनी नक्षत्र में गोचर होगा। यहाँ अश्वनी नक्षत्र के होते हैं 4 चरण, यानी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब राहु उल्टा चल रहा है तो पहले वो चौथे चरण, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले तक जाएगा। तो 9 फरवरी से लेकर 29 नवंबर 2023 तक जो राहु हैं वो इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी अब यहां समझने वाली बात यह है कि पहला तो ग्रह है राहु, दूसरा वो मंगल की राशि में है, तीसरा अब वो केतु के नक्षत्र में है, चौथा शनि भी उसको दृष्टि देंगे। यानी अकेले राहु पर राहु के खुद के कारकत्वों का प्रभाव है, मंगल की राशि में होने का प्रभाव है, केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करने का प्रभाव है और शनि की दृष्टि भी लगातार प्रभावित करेगी। यही हमारा आज का विषय है कि ये सब कुछ मिला जुला कर आपकी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे, इसी को हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जानेंगे कि भी आखिरकार ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये आखिर है क्या। अगर आपको इतना समझने में इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को यहाँ तक बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी, और नहीं है इंटरेस्टेड तो डायरेक्ट आप राशिफल अपना सुन लीजिए, क्योंकि भूमिका बनानी जरूरी है, भूमिका बतानी जरूरी है, बेस बनाना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले राहु की बात कर रहे हैं। राहु का ट्रांजिट आ रहा है मंगल की राशि में चलकर। अब मंगल कौन है? ऊर्जावान ग्रह है। अब जब मंगल की राशि में राहु होता है तो लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आप इस दौरान अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करके चलें, अपनी जल्दबाजी और अपने क्रोध पर रखें, साहस आपका पूरा रहेगा, हिम्मत पूरी रहेगी, निर्भीक रहेंगे, डरेंगे नहीं, रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे। लेकिन बहुत बार आपकी जिद, आपकी जल्दबाजी और आपका क्रोध आपका नुकसान कर सकता है। एस्पेक्टेड वाइज सैटर्न शनि की दृष्टि भी उस पर है, तो जिद्दी बनना नहीं है। ये सभी के लिए बता रहा हूं मैं कि भाई राहु तो सभी के लिए ये कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है, तो भाई आपको जिद्दी नहीं बनना है, क्रोधी नहीं बनना है, क्योंकि मंगल की वो राशि है जो अग्नि तत्व राशि है और मंगल की अग्नि तत्व राशि में राहु का जाना एक उद्दंडी किस्म का व्यक्तित्व रखता है कि जब व्यक्ति ज्यादा निर्भीक हो जाए, छोटे बड़े का सम्मान भूल जाए, तो ये किसी का सामना भी करा सकता है। फिर आपको अकल नहीं आएगी, फिर आपको बुद्धि नहीं आएगी। तो एक तो आपको इन चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। अब राहु कौन है? अगर देखा जाए तो कलयुग का राजा आप राहु को कह सकते हो कि आज के समय में जितनी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो चीज लग्जरीज है, वो राहु के हाथ में है। ये भौतिक सुख का कारक ग्रह राहु है। ये बुद्धि वाला है क्योंकि ऊपरी हिस्सा है, लेकिन साहसी भी है। साथ ही साथ अगर हम इसको कारकत्वों से जोड़ने का प्रयास करें कि भाई ये मंगल की राशि में है तो कहीं ना कहीं उत्तेजना से भरा हुआ तो है ही है। मास, मीडिया, कम्युनिकेशंस, लग्जरीज या लग्जरीज आइटम्स, ऐसी चीजें जो आपको भौतिक सुख देती हों,
जीवन में उतार चढ़ाव आने में राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि राहु एक जगह बैठता है, एक राशि को प्रभावित करता है, उस राशि के लॉर्ड को प्रभावित करता है, और तीन तीन जगह देख भी रहा है, पांचवी सातवीं नौवीं दृष्टि से राहु देखता भी है। अब राहु राजनीति में विशेष कारक रखता, ग्लैमर लाइन में राहु का बड़ा वो है कि जो लोग मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो आप, या एनिमेशन का काम कर रहे हो, या इससे रिलेटेड कोई काम करते हो, फैशन का काम करते हो, बॉलीवुड में हो, एक्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ये राहु के कारकत्व हैं, यानी इन लोगों पर इनका और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो लोग इनसे जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये राहु है। अब राहु मंगल की राशि में है, बलि होता है, बलि है तो वो लोग भी जिनके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोफेशन में है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सुगंध का कारक है, परफ्यूम का कारक है, एक्टिंग के फील्ड का है, ग्लैमर इसको चाहिए, ये राहु के कारकत्व में। अब ये राहु किसके नक्षत्र में गया है? केतु के नक्षत्र में। अब मित्र का तो नक्षत्र है, लेकिन केतु के स्वभाव बिल्कुल अलग है। केतु मोक्षकारी ग्रह है, यानी ये प्लेनेट क्या कहता है, धर्म का काम करो, ज्ञान का काम करो, बुद्धि के काम करो, शिक्षण संस्थानों के काम करो, गुरु का आदर करो, ये सब केतु में आता है, क्योंकि ये मोक्षकारी ग्रह है, ये आध्यात्मिक ग्रह है। यानी राहु की जो उद्दंडता है वो केतु के नक्षत्र में जाने से कुछ कम होगी, क्योंकि केतु का जो नक्षत्र है वो अश्वनी नक्षत्र है, और अश्वनी नक्षत्र कौन है, अश्वनी कुमार है, सूर्य देव के पुत्र हैं, शास्त्र में इनको विषवैधक भी कहा गया है, या कह सकते हैं अश्वनी कुमार एक उच्च दर्जे के उच्च किस्म के वैद्य हुए हैं, यानी वो सभी लोग जो मेडिसिन लाइन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के डॉक्टर हो, किसी भी मेडिकल से संबंधित काम करते हो, आपके लिए ये बड़ा अच्छा समय हो गया। या कह सकते हैं राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश करना व्यक्ति को मेडिसिन की नॉलेज बढ़ा देता, व्यक्ति होम्योपैथिक में जाने लगे, यूनानी में जाने लगे, एलोपैथिक की जानकारी लेने लगे, आयुर्वेद की चीजें पढ़ने लगे, उन पर रिसर्च करने लगे। सूक्ष्म पार्ट्स का कारक केतु है, टेक्नोलॉजी का कारक केतु है, मोबाइल एसेसरीज है जिसको आप हैंडल करके चलते हो, छोटी चीज है, नैनो पार्ट्स है, लेकिन काम बड़ा करता है, ये सब केतु से आता है। वहीं संक्रामक रोग भी ऐसा रोग प्लेनेट दे सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु मेष में और सप्तम में है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज इस दौरान ना हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो छुपा हुआ रोग बॉडी के अंदर चल रहा होता है वो भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इस प्लेनेट में छुपावट है और गोपनीयता है। यानी कहीं ना कहीं राहु का केतु के नक्षत्र में जाना सभी राशियों पर इस प्रकार के रिजल्ट तो देगा ही, या आपका काम इनसे रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया कि राहु के ये काम है, केतु के ये काम है, अश्वनी नक्षत्र इन चीजों पर काम करता है। तो ये तो था एक वो चैप्टर जो सभी 12 राशियों पर काम करेगा। इसके अलावा इनके डिफरेंट डिफरेंट फल क्या हैं वो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, ये रेमेडी क्या है, सभी 12 राशियों पर इक्वलेंट काम करेगी। यानी आपकी कोई भी राशि है मेष से मीन तक, तो आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, समझ के करेंगे तो अच्छा है। सबसे पहला, राहु कहाँ है, मंगल की राशि में, इसलिए आपको अपने तेज पर, अपनी ऊर्जा पर, क्रोध पर संयम करना होगा। यानी इनको संयम करने के लिए क्या चाहिए, लॉर्ड शिव की पूजा, भगवान शिव का लिंगाष्टकम रुद्राष्टकम करना, शिवाष्टक स्तोत्र करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहतर है। केतु के लॉर्ड कौन है, भगवान गणेश, क्या कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र करें, भगवान गणेश के मंत्र कर सकते हैं, बुधवार को मंदिर में जा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं भगवान गणेश को, दूर्वा घास अर्पित कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र जप सकते हैं। तो ये रेमेडी है, जो इनमें से कोई सी भी रेमेडी आप चूज कर लो कि भी मुझे एक शिव जी की रेमेडी करनी है, एक गणेश जी की करनी है, इनको लगातार करके रखो, मेडिटेशन करो, इसको कोई भी कर सकता है, 12 राशियों में भी कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो ये था रेमेडी का पार्ट, इससे पहले था वो पार्ट जिसको मैंने आपको समझाया। अब हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहली राशि हमारी होगी मेष राशि, जिसमें यह सब काम हो रहा है। मेष राशि के जातकों, राहु आपकी राशि में है, केतु के नक्षत्र में आएंगे, यानी सबसे पहले आप अपने आप को संयमित करें। इस दौरान आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे
जो किसी से छुपा हुआ हो, या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो बैड हैबिट्स का हो। केतु कहाँ है? सेवंथ हाउस में। और राहु किसके नक्षत्र में होगा? केतु के। यानी ऐसे समय में आपको किसी भी प्रकार का गोपनीय संबंध नहीं रखना। मैं सीधा सीधा आपके चरित्र को लेकर बात कर रहा हूं कि भाई आपको ऐसे समय में अपने चरित्र को बलि बनाकर रखना है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, या आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है तो उसको खत्म कर लीजिए, नहीं तो ये प्लेनेट उन सब चीजों को उजागर भी कर देगा। कोई चीज भी गोपनीय नहीं रहेगी, सबके सामने खुलकर आएगी और आप बदनाम भी हो जाएंगे। इसके कारण से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि राहु राशि में है, सप्तम में केतु है, यानी ये समय हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लम कर सकता है, डिस्प्यूट्स कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी खराब कर सकता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है कि भाई अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं चल रही है। एग्रेशन से बचना है, क्रोध से बचना है, जल्दबाजी से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, शनि उसको देख रहे हैं। यानी भ्रमित नहीं होना है, कार्य में लगना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्वभाव की वजह से किसी को परेशान कर दें, आप अपने स्वभाव की वजह से अपने काम के अंदर प्रॉब्लम डाल दें। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ मेष राशि के जातकों को। उपाय मैंने शुरुआत में बताए भी हैं, आप जाके देखिए कि ये राहु केतु का ट्रांजिट करेगा क्या, ये नक्षत्र परिवर्तन क्या करेगा, उपाय भी मैंने उसमें बताए हैं। उन उपायों में से कोई ना कोई एक उपाय सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा मैं आपको कहूंगा कि जब राहु आपकी राशि में हो और केतु के नक्षत्र में ही राहु आ जाए तो क्या है तो ये इसके मित्र का। अगर सरलता से सहजता से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ज्यादा राइज करेंगे। अदरवाइज जहां आपने किसी भी प्रकार की कोताही बरती, जल्दबाजी में आ गए, एग्रेशन में आ गए, लापरवाही में आ गए, तो आपके साथ गलत भी होगा, आपका नुकसान भी होगा। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में है, चाहे नौकरी में है, व्यापार में है, शिक्षा में है, वैवाहिक जीवन में है, रोजमर्रा की जिंदगी में है, कैसे भी हैं। भाई राहु जब केतु के नक्षत्र में आ रहा है तो केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म का कारक ग्रह है, ये आपको अध्यात्म की तरफ धकेलेगा। लेकिन आपको अपनी उद्दंडता को छोड़ना पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपको मिल सकती है यदि आप ध्यान में चले जाएं, यदि आप पूजा पाठ में चले जाएं, मेरे द्वारा बताई हुई रेमेडी करना शुरू कर दें, तो आप इस कुप्रभाव से भी बच सकते हैं। क्योंकि आप ये बिल्कुल ना भूलें कि राहु भी शुभ अशुभ है और केतु भी अशुभ है। तो चलिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये सावधानी बरतनी थी इस नक्षत्र परिवर्तन से। अब देखते हैं वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि, आपकी राशि से ये कॉम्बिनेशन द्वादश में बन रहा है। राहु आपकी राशि से 12वें घर में, केतु आपकी राशि से 6ठे घर में है, और वो केतु के नक्षत्र में। सबसे पहले चेतावनी, हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको स्त्री या पुरुषों के रोग हो सकते हैं इस दौरान, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। आंखों से संबंधित कोई परेशानी ना आ जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खास तौर पे लेफ्ट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसी कॉम्बिनेशन से आ सकती है। किसी प्रकार का संक्रामक रोग आपको परेशान कर सकता है। राहु 12वें घर में मंगल की राशि में, चाहता तो नहीं है अपने ध्यान लगाना, चाहता तो नहीं है कोई विशेष पूजा पाठ करना, लेकिन जब वो केतु के नक्षत्र में होता है और 12वें घर में हो, तो 12वां घर निद्रा का है और केतु मोक्षकारी ग्रह है। यानी कहीं ना कहीं ये केतु आपसे कहेगा कि आध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाओ, मेडिटेशन में ले जाओ अपने आप को, तभी आपको लाभ मिलेगा। शनि उसको दृष्टि दे रहे हैं, शनि आपके लिए योग कारक है। यानी ऐसी स्थिति में जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे हैं, किसी प्रकार के पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड आपका कोई पार्ट्स है उसकी सप्लाई करते हो, नैनो पार्ट्स है, मोबाइल एसेसरीज है, कंप्यूटर एसेसरीज है, मॉडलिंग है, फैशन है, इन चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कि भी आप अगर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हो देश में, विदेश में, बाहर जाकर, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको बताई हैं उनका भी ध्यान रखें। जो उपाय मैंने आपको शुरुआत में बताए उनको आप अवश्य सुन लीजिए, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं तो वो आपके लिए बताई हैं, आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर होने वाला क्या है। अगली राशि के बारे में बात करते हैं। ये हमारी राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि आपकी राशि से एकादश भाव में राहु है। 11वें घर का गया हुआ राहु कहते हैं अशुभ ग्रह, अगर 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो आपकी इच्छाओं का दमन करके आपको काम में लगाता है। कि कहीं ना कहीं ये ग्रह लगातार आपके जीवन में प्रेरणा दे रहा है कि कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं,
व्यक्ति उसी के लिए लगातार स्टेप बाय स्टेप प्रगति भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, शनि उसको दृष्टि दे रहे हैं। शनि भाग्यश है कि भाई मेहनत करो, मेहनत करने से आपको कुछ मिलेगा, मेहनत करने से आपका भाग्य जगेगा। अब केतु पंचम भाव में है, केतु के नक्षत्र में राहु चले गए, इसका मतलब क्या है, पंचम से कनेक्शन बन रहा है। ये समय संतान के उत्थान के लिए ठीक है, आपकी संतान राइज करेगी, आपकी संतान के जीवन में अगर अड़चनें आ रही हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको भ्रमित भी करेगा, क्योंकि केतु पांचवें घर में बैठकर भ्रम देता है, आपको भ्रमित करेगा, आपके डिसीजंस लेने में आपको बहुत बार प्रॉब्लम करेगा। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करूं या ना करूं। खास तौर पे विद्यार्थी लोग, खास तौर पे जिनके लव लाइफ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि राहु 11th में तो अच्छा है, केतु उसके साथ, यानी गेन लगातार बना रहेगा, लाभ किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आता रहेगा, चाहे वो आपकी शिक्षा का लाभ है, आपकी पढ़ाई का लाभ है, आपकी नौकरी का लाभ है, आपके व्यापार का लाभ है, लेकिन भ्रमितता से आपको बहुत ज़्यादा बचने की यहाँ ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ऐसा नहीं कि बस कि हाँ मैं तो सब कुछ कर दूंगा, मुझे तो सब कुछ आता है, और आपकी एजुकेशन स्पॉइल हो जाए, आपकी शिक्षा में रुकावट परेशानी आ जाए, तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मैंने उपाय बताए हैं शुरुआत में, अगर आप उन उपायों को सुनते हैं और करते हैं तो आपके लिए काफी फायदा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखते हैं कैसा है, कि भी आपकी राशि से 10th हाउस में राहु है, दशम भाव कर्म स्थान, मंगल की राशि में, यानी काम करने में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं दे रहा है ये राहु, लेकिन आप पर शनि की ढैया भी शुरू हो गई है, और वो शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है, यानी ये शनि कोशिश करेगा आपको उत्तेजना में लाकर आपका काम बिगाड़ने का। कर्क राशि के जातकों के लिए तो अवश्य मैं कहूंगा कि इंट्रोडक्शन अगर नहीं सुना है ना तो इंट्रोडक्शन जरूर सुन लो, इंट्रोडक्शन के बाद में जो रेमेडी बताई है, उपाय बताया, उसको जरूर सुन लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। कि दशम का राहु है मंगल की राशि में, शनि से दृष्ट है कि जोश में आकर होश नहीं खोना, जोश में आकर आपको अपने कार्य क्षेत्र का नुकसान नहीं करना, अपनी नौकरी का नुकसान नहीं करना। केतु चौथे घर में है, मन के भाव में केतु और राहु उसी के नक्षत्र में है। अब राहु केतु से रिलेटेड जितने सारे वर्क मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, कि अगर उनमें से रिलेटेड कोई भी वर्क आपका बनता है तो ये समय आपके लिए बेहतर है, इस दौरान आप राइज करेंगे, क्योंकि दशम स्थान कर्म का स्थान है, कर्म स्थान में राहु केतु के नक्षत्र में है, इसका मतलब राहु केतु से रिलेटेड जो भी वर्क आप अपने जीवन में कर रहे हो उनमें आपको फायदा मिलना है, इसलिए आपके लिए तो इंट्रोडक्शन देखना भी मस्ट हो गया, जरूरी है, और उपाय भी जो मैंने आपको बताए वो स्वीकार करें, उनको करें, आपके लिए एक समय अनुकूल रहेगा। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि है, राहु आपसे कोई ज्यादा मित्रता तो नहीं रखते, और राहु आपके 9th हाउस में ट्रांसिट भी कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, राहु जब केतु के नक्षत्र में ट्रांसिट कर रहा हो तो इस दौरान पिता के साथ संबंधों में किसी प्रकार का तनाव या पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या बन सकती है, तो एक चीज तो मुझे यहाँ ये दिखाई दी है। दूसरा, राहु 9th हाउस में है, भाग्य बनाने के लिए मेहनत कर रहा है ऐसा राहु, वो केतु के नक्षत्र में, यानी आपका झुकाव धर्म के प्रति लाएगा, क्योंकि केतु मोक्षकारी है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, तो क्या है 9th हाउस का राहु केतु के नक्षत्र में, कि अब मिजाज कुछ बदलने वाला है, कि अब आपके भीतर कुछ अलग सा चेंज आने वाला है, अब आप ये सोचेंगे कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं जिससे मेरी ईश्वर की भक्ति बढ़े, या अब स्वतः ही व्यक्ति ईश्वर के प्रति जाने लगता है, कि पूजा पाठ नहीं करता था अब करना शुरू कर दिया, अपना ध्यान नहीं देता था अब करना शुरू कर दिया, शनि का प्रभाव भी उस पर है। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब सप्तम भाव से बैठ कर आते ही है, तो ये वही चीज है कि भाई फादर का थोड़ा सा ध्यान रखना, कि इस दौरान रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फादर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सीरियसली लें, उसकी जांच आपको करानी होगी, अदरवाइज राहु पूरी मेहनत करेगा यहाँ आपसे भाग्य बनाने में, क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु कहाँ है, राशि से 3rd हाउस के अंदर है, इसका मतलब है टूर ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दूर स्थान से संपर्क बनाकर अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है जो PhD या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन शुभ है। आइए बात करते हैं कन्या राशि के लिए कैसा था, कि कन्या राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, कि राहु 8th हाउस में मंगल की राशि में बैठा है, मंगल आपके लिए शत्रु है, और एक अशुभ ग्रह होने के नाते राहु का 8वें घर में जाना शुभ नहीं होता। अब अष्टम भाव क्या है, अड़चन का है, परेशानी का है, दुविधा का है, बैड न्यूज़ का है, हेल्थ इश्यूज का है,
जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होना, पैसे का रुकना नहीं, तनाव होना, किसी ना किसी प्रकार का जीवन में झंझट चलते रहना, ये सब राहु की वजह से है कि राहु 8th हाउस में बैठ गया, अब ये केतु के नक्षत्र में भी आ गया, यानी जीवन में हो सकता है परिवार को लेकर चिंता शुरू हो जाएगी, क्योंकि केतु 2nd हाउस में, धन को लेकर चिंता होना, परिवार को लेकर चिंता होना, स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, किसी ना किसी प्रकार से डिस्प्यूट चलता ही रहता है, कभी अपने परिवार से, कभी अपने ससुराल पक्ष से भी, हम इसको यहाँ कह सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान, किसी पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना, क्योंकि 8वें घर में राहु जब केतु के नक्षत्र में हो तो आपके साथ छल कपट हो सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपको धोखा दे सकता है कोई, आपके पैसे को ले आ सकता है, आपको नई स्कीम बताकर आपसे पैसा ले ले और वो पैसा लेकर भाग जाए, फ्रॉड होना ऐसी स्थिति में देखा जाता है, अचानक से नुकसान, सडन कोई बैड न्यूज आना यहाँ देखा गया है। तो आप अवश्य ही, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको कि राहु केतु का शनि नक्षत्र में जाना आखिर है क्या, क्या इसके फल हैं, उसके अलावा रेमेडी क्या है, वो भी आपको वहां से देखनी होगी। बाकी चेतावनी तो मैंने आपको यहाँ दे ही दिया कि भी मैं इसको बहुत शुभ तो नहीं मान रहा हूँ, खास तौर पे हेल्थ और वेल्थ दोनों पर्पज से। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तुला राशि वालों, आपके राहु जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, मंगल की राशि में है और शनि से दृष्ट भी है, अतः आपको किसी भी प्रकार की उत्तेजना, जल्दबाजी या क्रोध की वजह से अपने मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं डालनी है, ऐसा ग्रह इस चीज को दे रहा है, क्योंकि शनि आ गए हैं यहाँ और सप्तम में राहु है, मंगल की राशि में और शनि उसको देख रहे हैं। अब ये राहु जो है केतु के ही नक्षत्र में आ गया, अब राहु ऑलरेडी एक अशुभ ग्रह है और केतु के नक्षत्र में आए और सप्तम भाव में और 7वें घर पे शुभ पीड़ा नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता बढ़ सकती है, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तालमेल अच्छा नहीं बन रहा, विचारों में मतभेद आ रहा है, कभी कभी क्या होता है लाइफ के अंदर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो रहा है, इसको आप समझ सकते हैं कि भी आपके चरित्र को लेकर भी ये समय ठीक नहीं है, स्त्री या पुरुष के रोग भी ऐसा ग्रह देने में सक्षम है। वहीं सप्तम भाव को हम पद प्राप्ति भी कहते हैं, तो अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी चालाकी ना करें जिससे आपकी नौकरी पर खतरा बन जाए, आपकी पब्लिक इमेज पर खतरा बन जाए, जैसा जैसा चल रहा है उसका ध्यान रखें, चालाक बनने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्रेशन पे अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जल्दबाजी से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु का केतु के नक्षत्र में जाना आपकी मानसिकता का सबसे ज़्यादा हनन करेगा और इस मानसिकता का प्रभाव आपके जीवन में किसी भी पहलू पर पड़ सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआत में मैंने बहुत कुछ समझाया है राहु केतु के बारे में और उपाय भी मैंने उसमें बताए हैं, अगर वो उपाय आप ज्वाइन कर लेते हैं अपने जीवन में, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच भी सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। मंगल प्रधान राशि है और राहु मंगल की ही राशि में 6ठे घर में है और वो केतु के नक्षत्र में है, यानी सबसे पहले 6ठे घर से संबंधित बैड रिजल्ट जो है, रोग, ऋण, रिपु तीनों आपको दे सकता है ये प्लेनेट, यानी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कोई बॉडी के अंदर रोग छुपा हुआ पड़ा है वो अब निकल कर सामने आएगा, और निकल के आ रहा का सामने के साथ साथ कह सकता हूँ कि अचानक से ऐसा प्लेनेट सर्जरी भी करा सकता है, क्योंकि केतु का काम ऐसा है कि कुजवत केतु ये जो है मंगल की तरह काम करता है, यानी सडन चीज को लिखना और उसकी सर्जरी करा देना, किसी प्रकार का चीरा टाँका लगा देना, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं है। ऋण, किसी प्रकार के लोन्स में आप पड़ सकते हैं इस दौरान, बड़ा सोच समझ कर आपको इस दौरान पैसा लेना है, लोन लेना है, अन्यथा आपको ये प्लेनेट परेशान कर सकता है, खास तौर पे जब तक तो करेगा जब तक राहु या 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा, यानी समझ लो नवंबर के महीने तक की स्थितियां थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं, या आपने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं तो उनको चुकाने में आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपका खर्चा बढ़ने वाला है आने वाले समय में, और वो खर्चा ऐसा भी हो सकता है कि व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च हो या हेल्थ इश्यूज पे पैसा ज़्यादा खर्च होने लगे, किसी प्रकार की मेडिसिन, दवाई, गोली, डॉक्टरी इलाज पर आपका पैसा खर्च होने लगे। शत्रुओं का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे समय में गोपनीय शत्रु बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपका कि भी कैसे इस व्यक्ति को जीवन में डाउनफॉल दें, क्योंकि इस राहु पर शनि की दृष्टि भी है और शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव में बैठे हुए राहु के लिए शुभ नहीं है, यानी अगर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहें तो ये समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तौर पर बहुत अच्छा नहीं है। आपको शुरुआत में जो मैंने राहु केतु के बारे में बताया है, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखो,
जो चीज मैंने बताई है उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसको ध्यान रखो। जो उपाय मैंने आपको बताए वो आपको करने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा ये थोड़े समय का ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा तनाव या बड़ी परेशानी में ला सकता है। आइए बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है और बृहस्पति का मतलब है बृहस्पति आचार्य हैं हमारे। अब राहु पंचम भाव में केतु के नक्षत्र में है, बुद्धि का भाव, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि के अंदर आध्यात्म, बुद्धि के अंदर मोक्ष, बुद्धि के अंदर ईश्वर का निवास होना या भगवान की पूजा पाठ करने के प्रति आपका ध्यान ज्यादा जाने वाला है। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी पढ़ाई करते करते वेद वेदांग पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया, कोई शास्त्र उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, कि भी अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा भी, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव पढ़ाई का है, तो राहु वहां बैठकर ऐसा है। तो इसको मैं एक दूसरी कैटेगरी में भी लाऊंगा कि जब राहु या केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करे तो आपको भटकाव से बचना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी शास्त्र को पढ़ना या समझना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ के उसके प्रति लग गई, ये बहुत बुरी बात है। तो इसका विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि पांचवें घर में राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु कहाँ है, 11th हाउस में ट्रांजिट करना है, यानी इस दौरान शिक्षा में प्राप्तियां होंगी, शिक्षा आपकी अच्छी चलेगी, बुद्धि आपकी ठीक काम करेगी। राहु केतु से संबंधित अगर आपकी पढ़ाई है या कोई भी काम है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहने वाली है। तो वहां से उन चीज़ों को पढ़ो जो इंट्रोडक्शन में उपाय बताए हैं, वो चीज़ आप देखो, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि तो राहु पंचम में है, शनि से दृष्ट भी है, केतु के नक्षत्र में भी है, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव है। अब कहते यही है कि भैया बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं चलेगी तो जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे व्यापार है, चाहे नौकरी है, चाहे लव लाइफ है, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन है, कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से रिलेटेड होता है। तो उस बुद्धि पर आपको कंट्रोल करके चलना होगा, ये राहु का केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट होना बता रहा है। आइए देखते हैं मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। आप पर शनि की 7.5 का थर्ड फेज शुरू हो गया, राहु आपके चौथे घर में है, शनि उसको देख रहा है, मन के अंदर उथल पुथल तो ये ग्रह कुछ ना कुछ तरीके से रखेगा। इस दौरान मदर की हेल्थ को भी इश्यूज हो सकते हैं, हम ऐसा यहाँ कह सकते हैं कि चौथे घर में राहु, चौथे घर पे शनि का प्रभाव, यानी चौथा घर मन का है, चौथा घर माता का है, चौथा घर परिवार का है, सुख शांति का है, प्रॉपर्टी का है। तो इस दौरान ध्यान रखें किसी प्रकार का प्रॉपर्टी ऐसा ना खरीदे जिसमें डिस्प्यूट हो, क्योंकि राहु यहाँ केतु के नक्षत्र में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। जिस प्रॉपर्टी में कुछ छुपावट हो, जिस प्रॉपर्टी में कुछ गोपनीयता हो, उसमें से बचें, या खरीदने से पहले पूरा जांच पड़ताल करनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लेनेट अवश्य ही कुछ ना कुछ तरीके से आपको प्रॉपर्टी के कार्यों में डालने वाला है। खास तौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, जिनका काम है पब्लिक डीलिंग करने का, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन नेताओं के लिए अच्छा है, राजनेताओं के लिए अच्छा है, या जनता से संबंधित कोई भी आपका काम है उसके लिए अच्छा है। शुरुआत में मैंने राहु केतु के वर्क बताए, अश्विनी नक्षत्र के कारक बताए, उनको आप जरूर सुन लीजिए इंट्रोडक्शन में, उपाय बताए हैं उनको सुन लीजिए। अब राहु चौथे घर में, केतु दशम भाव में, यानी कहीं ना कहीं राहु केतु से रिलेटेड कोई भी वर्क आपके जीवन में है तो आपके लिए मकर राशि के जातक को बढ़िया समय है ये। और वो वर्क आपको वहीं पता लगेंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, समझाए हैं, उनको सुनो कि राहु के क्या वर्क हैं, केतु के क्या वर्क हैं, और उनसे रिलेटेड आपके जीवन में कुछ भी है तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये राहु केतु एक्सेस 4:10 का एक्सेस है। यहाँ राहु केतु के नक्षत्र में और केतु 10th हाउस में, यानी यहाँ कहीं ना कहीं चौथे और दशम का एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन, स्ट्रांग संबंध बन रहा है। तो उपाय अवश्य कर लेना, लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए आपकी राशि से राहु तीसरे घर में है, एक्सीलेंट कहता हूं मैं ऐसे राहु को, कि ऐसा राहु लगातार आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा राहु इनोवेटिव है, अपने बल पर कुछ करने में समझा कि मैंने अपने बल पर कुछ आविष्कार कर लिया, ये राहु से आएगा। ये राहु शनि से दृष्ट आपका राशि का लॉर्ड इसको देख रहा है, यानी हिम्मत और साहस में कमी नहीं है। अब आपका कोई भी काम ऐसा है, टूर, ट्रेवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बाहर जाना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बाहर से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो ये राहु आपको फेवर में है, ये केतु के नक्षत्र में है। और ये केतु कहाँ है, 9th हाउस में, यानी आध्यात्म बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, दूर की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक कार्य होंगे। और केतु के नक्षत्र में है राहु और केतु 9th हाउस में, यानी ट्रेवलिंग से लाभ, यात्राओं से लाभ, दूर स्थान से संपर्क बना के लाभ, ट्रांसफर की इच्छा हो रही है, परिवर्तन हो जाए जीवन में, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए
बेहतर है, यानी तीसरे और नवम से संबंध बनता है। तीसरा सेल्फ एफर्ट्स, नवम भाग्य। मैंने अपने सेल्फ एफर्टों से अपना भाग्य बनाया, मैंने दूर जाकर अपना भाग्य बनाया, मैंने ट्रैवलिंग से अपना भाग्य बनाया, मैंने स्थान परिवर्तन करके, ट्रांसफर्स करके, यात्राएं करके अपने जीवन में कुछ करा, या बैठे बिठाए कम्युनिकेशंस का सहारा लिया, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपने जीवन में कुछ कर लिया। ये कहाँ से आएगा? ये थर्ड हाउस के राहु से आएगा, ये केतु की टेक्नोलॉजी से आएगा। इसलिए शुरुआत में मैंने बहुत डीपली समझाया भी है कि राहु क्या है और केतु क्या है, और ये राहु केतु आपके जीवन में क्या क्या काम करते हैं, अश्विनी नक्षत्र में आने पर क्या होने वाला है आपके जीवन में। तो वो एक नक्षत्र का परिवर्तन बड़ा शुभ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इंट्रोडक्शन और उपाय सुन लेंगे तो और ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। आइए हम अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करते हैं कि मीन राशि को कहीं ना कहीं मोक्ष से जोड़ा गया, और राहु का परिवर्तन यहाँ केतु के नक्षत्र में, और केतु भी मोक्षकारी है, यानी वो सभी लोग जिनका अध्यात्म से झुकाव है, इनका काम पूजा पाठ का है, योगा का है, प्राणायाम का है, पूजा पाठ, वेद वेदांग अनुष्ठान, अध्ययन, अध्यापन, ज्योतिष, कुछ भी ऐसा करते हो तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि राहु आपका सेकंड हाउस में है, बोलचाल की भाषा, सेकंड हाउस धन वाणी का भाव है। अब ये राहु मंगल के राशि में बैठकर शनि से दृष्ट है, इसलिए सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान रखें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो दूसरों को चुभते हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे आपके परिवार के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि राहु धन दूसरा घर में है, शनि से दृष्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि वहां दूसरा घर परिवार का है। केतु के नक्षत्र में है, केतु कहाँ है? अष्टम में बैठा हुआ, तो आठवें घर का केतु समाधि के लिए, वेद वेदांग के लिए, योगा प्राणायाम, अध्यात्म, पूजा पाठ के लिए तो शुभ है, लेकिन वही राहु सेकंड हाउस में केतु के हैं तो देखिए परिवार में जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना बढ़िया, पैसे को लेकर, संबंधों को लेकर जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना आपके लिए राहु अच्छा है। अदरवाइज ये राहु या केतु के नक्षत्र में बैठकर सेकंड हाउस को इफेक्टेड कर सकता है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में परिवार के लोगों से आपके संबंध स्वतः ही खराब होते चले जाएं, आपकी भाषा शैली खराब हो जाए, आपकी वाणी खराब हो जाए, आप अनुशासन से अलग हो जाएं, आप कुछ ऐसा गलत खान पान करने लगे जिससे परिवार के लोग आपसे दुखी हो जाए कि यार इनको पहले आदत नहीं थी, अभी आदत पड़ गई है। तो इन चीजों का आपको बहुत भली भांति ध्यान रखना ही होगा, और इंट्रोडक्शन में जो चीजें मैंने बताई उनको सुन लेंगे, उपाय बताएं उनको करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ भी यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तो आपका केतु आठवें घर में है। ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि छुपावट भरी चीजें आए, आपको लगे जीवन में सब चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ भीतरी रूप से गलत भी होता चला जा रहा है, कि व्यक्ति क्या राइज कर रहा, पैसा आ रहा, लेकिन क्या संबंध खत्म होते जा रहे हैं, संबंधों में कमजोरी आ रही है, परिवार को समय नहीं दे रहे, पत्नी को समय नहीं दे रहे, बच्चों को समय नहीं दे रहे, तो उन चीजों पर भी आपको खास ध्यान यहाँ देना होगा। तो ये मैंने पूरा विस्तार से एक बताने का कोशिश करा है आपको कि राहु क्या है, केतु क्या है, परिवर्तन से क्या होगा, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशियों के लिए एक मूल उपाय आपको बताया, उसको भी करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय, फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।